हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आईएएस। जीरो आईएएस में आपका स्वागत है दोस्तों। बहुत सारे बच्चे का डिमांड था, खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चे का, सर इंग्लिश के लिए कोर्स लेके आइए जो आपको ईपीएफओ में मदद करेगा। ठीक है, तो इसीलिए सीरीज में मैंने इंग्लिश का कोर्स लॉन्च किया है दोस्तों। तो आज हम लोग इंग्लिश में जो ईपीएफओ में आता है, जिसमें हम लोगों को 5 क्वेश्चन सिनोनिम का करना होता है, 5 क्वेश्चन एंटोनिम का मतलब समानार्थक और विपरीतार्थक अर्थ को जो करना होता है उसी को हम लोग करेंगे। तो हम लोग टोटल 1000 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, और वो 1000 वर्ड्स नहीं है दोस्तों, वापस में आप देखिएगा उसको तो 2000 से 3000 वर्ड्स होंगे। ठीक है, ये आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। और इसको याद कैसे करना है, तो इसको आपको रटना नहीं है, मेरा लेक्चर ध्यान से सुनिए, एक बार दो बार तीन बार अच्छे से सुन लीजिए, फिर उसको आप उसको पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा, टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और फिर उसको बार बार देखिए, रटना नहीं है, बार बार उसको अपने नज़र से उतारना है। ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, अगर हम किसी से वो करते हैं, मतलब किसी के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, तो कैसे अट्रैक्ट होते हैं, उसका चेहरा बार बार अपनी नज़र से गुजारते हैं तो धीरे धीरे वो पसंद आने लगता है हमें रटना नहीं, याद नहीं करना पड़ता है कि उसका आँख ऐसा है, उसका फेस इस तरह से है ना। उसी तरह अगर पढ़ाई में भी आपको सफल होना है और इंग्लिश के वर्ड्स को याद करना है, वोकेबलरी को, तो आप बार बार उसको अपनी नज़र के तरफ से गुजारिए तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बिना देर के शुरू करते हैं दोस्तों इंग्लिश का लेक्चर। आज हम लोग 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम एंटोनिम पढ़ेंगे, ये हमारा पार्ट वन है, पार्ट टू भी आएगा जिसमें हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, मेरा नाम राहुल बनवाल है दोस्तों, मैं ईपीएफओ में सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ, साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ये लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में है और इसका फ्री पीडीएफ भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं दोस्तों इंग्लिश का लेक्चर, जिसमें हम लोग सिनोनिम एंटोनिम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं जीरो आईएएस बाय राहुल बनवाल का यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो देखिए पहला वर्ड्स है एमास। एमास का मतलब होता है इकट्ठा करना दोस्तों, तो आपको ऐसे ही याद करना है, एमास का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। और उसको और भी उसका और क्या क्या इंग्लिश वर्ड है एमास के लिए, तो कलेक्ट का मतलब भी वही होता है, एमास इकट्ठा करना, असेंबल और एक्यूमुलेट। तो आपको याद कैसे करना है, सबसे पहले आप ऐसे याद करोगे एमास, एमास का मतलब होता है इकट्ठा करना। फिर दूसरा वर्ड याद करोगे एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस मतलब गुस्सा या गाली गलौज करना। तो उसके तो आपने एमास पढ़ लिया इकट्ठा करना, तो आप पूरा वर्ड्स को सिर्फ हिंदी हिंदी का याद कर लोगे। ठीक है, फिर आप उसका इंग्लिश वाला कलेक्ट भी, एमास का मतलब कलेक्ट भी होता है, एमास का मतलब असेंबल भी होता है, एमास का मतलब एक्यूमुलेट भी होता है, इस तरह से याद करना है। मतलब आपको सबका सबसे पहले इंग्लिश हिंदी वाला वर्ड बार बार देखना है, याद हो जाएगा, फिर आप उसका इंग्लिश वाला जो सिनोनिम एंटोनिम होता है वो आपको देख लेना है। बात समझ में आ रहा है आपको, सिंपल है, इसी तरह से पढ़ना है आपको, रटना नहीं है कि एमास का मतलब असेंबल या कलेक्ट, एमास का मतलब असेंबल या कलेक्ट, ऐसा नहीं, एमास का मतलब इकट्ठा करना। ठीक है, और मास का मतलब क्या होता है, मास मतलब एक तरह एक जगह जोड़ के रखना, तो मतलब कलेक्ट करना, इस तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है, एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस का मतलब होता है गुस्सा करना या गाली गलौज करना दोस्तों। एनोमेली, एनोमेली का मतलब होता है गड़बड़ी या समानता, असमानता। और उसका वर्ड्स है इरेगुलरिटी, इनकन्सिस्टेंसी, इनकॉन्ग्रुएटी, डेविएशन या एबनॉर्मेलिटी, एप्टीट्यूड मतलब कौशल या टैलेंट, स्किल, एबिलिटी, गिफ्ट, फिटनेस, एली मनी, एली मतलब सहायता राशि होता है जो सपोर्ट दिया जाता है, मेंटेनेंस या प्रोविजन भी बोलते हैं। एटोन, एटोन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना या कंपेंसेट करना। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस मतलब जो क्लियर नहीं है, अस्पष्ट, एम्बिवेलेंट या इक्विवोकल। एडज्योर, एडज्योर का मतलब आदेश देना, ऑर्डर देना, कमांड देना, रिक्वेस्ट करना, आग्रह करना। एबज्योर, एबज्योर मतलब त्याग देना, छोड़ देना, जिसको रिनाउंस भी बोलते हैं, गिव अप भी बोलते हैं। एलीग मतलब आरोप लगाना, बोलना, क्लेम, स्टेट, प्रोक्लेम, एसर्ट, ये सब होता है। एक्मे, एक्मे मतलब होता है शिखर या टॉप या एपेक्स या पिनेकल। दोस्तों अपने आप बार बार देखेंगे याद हो जाएगा। एनालॉगी मतलब होता है समानता, कंपैरिजन या सिमिलैरिटी। अप्रेज, अप्रेज का मतलब मूल्यांकन करना, जज करना, एसेस करना, एस्टिमेट, इवेल्यूएट, रेट, रिव्यू, वैल्यू, सेट ए प्राइस, इस तरह का मतलब होता है मूल्यांकन करना। एडेज, एडेज मतलब होता है बुद्धिमान लोगों की बातें, वाइज सेइंग, प्रोवर्ब, जैसे बोलते हैं हम लोग थोथा चना बाजे घना, मतलब जो आदमी कम नॉलेज का होता है वो बहुत उछलता है ना, तो उसे वो बुद्धिमान वाली बातें, उसको एडेज बोलते हैं। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मतलब होता है कठिन समय, मुसीबत, डिफ़िकल्टी, हार्डशिप, डिस्ट्रेस, एफ्लिक्शन, मिसफॉर्च्यून या पॉवर्टी, ये सब का मतलब होता है एडवर्सिटी। दोस्तों अब इसको लिटरल मीनिंग मत दिया, देखो पॉवर्टी मतलब गरीबी, तो गरीबी जब होगा तो कठिन समय होगा ना आपके पास, तो पॉवर्टी का मतलब भी क्या हो गया, एडवर्सिटी। तो आपको लिटरल मीनिंग नहीं निकालना है कि पॉवर्टी मतलब गरीबी होता है, और ये हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा इंग्लिश का नहीं जानकारी होता है तो उसका लिटरल मीनिंग निकालते हैं कि अरे यार एडवर्सिटी मतलब गरीबी कहाँ से होगा, लेकिन आप देखो जब भी गरीबी होगा तो कठिन समय अपने आप आ गया ना, तो एडवर्सिटी मतलब गरीबी, कठिन समय, समूसी वैसा बराबर। ठीक है, एब्जॉल्व मतलब निर्दोष घोषित करना।
एक्सोनरेट भी होता है, विंडिकेट होता है, डिस्चार्ज, एक्विट या एक्सकल्पेट, ठीक है। एब्सकंड, एब्सकंड मतलब भाग जाना, फरार हो जाना, स्केप या फ्ली, ठीक है। एफ्रे, एफ्रे मतलब अफरा तफरी मच जाना, लड़ाई झगड़ा हो जाना, जैसे फाइट लड़ाई झगड़ा, अल्टरकेशन लड़ाई झगड़ा, ब्रॉल मतलब लड़ाई झगड़ा अफरा तफरी। एनिहिलेट मतलब नाश करना, संपूर्ण विनाश करना, डिस्ट्रॉय, किल, ऑब्लिट्रेट या वाइप आउट, वाइप आउट ना पूरा ख़त्म कर देना। एफेबल, एफेबल मतलब दोस्ताना, सामाजिक रूप में रहना, सोशिएबल, फ्रेंडली, एमाइएबल, जेनियल, कॉन्जेनियल, कॉर्डियल, प्लीजिंग, गुड नेचर। एमालगेमेट मतलब मिला देना, यूनाइट कर देना, कंबाइन करना, मर्ज करना, इंटीग्रेट, मिंगल, कंसोलिडेट, फ्यूज, ठीक है। अप्राइज मतलब बताना, जानकारी देना, इन्फॉर्म, टेल, नोटिफाई, मेक अवेयर। तो दोस्तों याद कैसे करेंगे, एक बार बार इसको देखिएगा, याद हो जाएगा। उसके बाद जब याद हो जाएगा तो अपने अगल बगल जो आप लाइब्रेरी में अगर पढ़ते होंगे, या आपका कोई दोस्त होगा, या आपके कोई घर में रिलेटिव्स होंगे पढ़े लिखे होंगे, तो उनको बोलिए, पेज दे दीजिएगा और बोलिएगा लीजिए, पूछिए इससे आपको जो पूछना है, ठीक है। तो इससे मैं इसी तरह पढ़ता था, मैं अपने मेरा दोस्त लाइब्रेरी में पढ़ जाता था, तो उससे मैं पूछ बोलता था, लोग पूछो तो वो मुझसे पूछता तो मैं बताते जाता था, और जो अगर नहीं बताता था तो उसमें वो गोला कर देता था, डॉट मार्क कर देता था कि आप इसको मुझे ज़्यादा ध्यान देना है, तो इस तरह से आपको पढ़ना है। अभी हमारे पास 85 डेज के आसपास है दोस्तों, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो आर्डुअस, आर्डुअस मतलब थकाऊ या कठिन, जैसे डिफ़िकल्टी, लेबोरियस, स्ट्रेनुअस, विगरस या ग्रूलिंग या बैक ब्रेकिंग, जो पिच मतलब तोड़ दे पूरा पीठ कमर, मतलब थकाव होगा तभी ना टूटेगा। स्टिफ, हरकुलियन, ओनियरस या हार्ड, हेवी, इस सब का मतलब क्या होता है, थकाव या कठिन। अप्रीहेंड मतलब पकड़ना, अरेस्ट करना, कैच, कैप्चर, सीज, इसका एक और मीनिंग होता है दोस्तों, समझना, कम्प्रीहेंड करना, अंडरस्टैंड करना, रियलाइज करना, ग्रास्प, ग्रास्प मतलब किसी का मीनिंग समझना, परसीव, परसीव मतलब जानना, किसी चीज़ को समझना। एमेलियोरेट, एमेलियोरेट मतलब सुधारना होता है या इम्प्रूव करना, ठीक है। एमनेस्टी, एमनेस्टी मतलब होता है अपराध क्षमा, जो अपराध के लिए क्षमा किसी को कर देते हैं उसको एमनेस्टी बोलते हैं, या अप्राइव, ठीक है। एंसिलियरी, नाम भी सुना होगा आपने, एंसिलियरी मतलब सहायक, इसको ऑक्जिलियरी भी बोलते हैं, सप्लीमेंट्री, एक्सेसरी। एब्रेसिव, एब्रेसिव मतलब कठोर, हार्ड, रूड, अनफ्रेंडली या ऑफेंसिव, मतलब जो दोस्त नहीं होगा वो रूड ही तो होगा, ऑफेंसिव होगा, आपको बार बार उल्टा पुल्टा बोलेगा, कठोर बात करेगा। एम्यूलेट, एम्यूलेट मतलब हम लोग जो ताबीज पहनते हैं, तालिस्मान, टोटका, मास्कॉट, मास्कॉट मतलब शुभंकर, और शुभंकर को ही ताबीज भी बोलते हैं। ब्लाटेंट, ब्लाटेंट मतलब खुल्लम खुल्ला, बेशर्म टाइप का, इसका और भी होता है फ्लेग्रेंट, ग्लेरिंग, ओबिवियस, अनडिस्गाइज, डिस्गाइज मतलब होता है छुपाना, अनलग्या मतलब उल्टा, जो छुपा नहीं रहा मतलब खुल्लम खुल्ला करा, कंसील मतलब छुपाना लेकिन अनकंसील मतलब नहीं छुपा रहा। एविडेंट, ब्लेजिंग, कॉन्स्पिशियस, और मतलब होता है जोरदार, मतलब जोर से कॉन्स्पिशियसली बोलना, जोर से ऑफेंड करना, क्लेमेंट, क्लेम करना, जोर जोर से बोलना, है ना, खुल्लम खुल्ला बोलना। बैंटरिंग, बैंटरिंग मतलब होता है मजाक, हंसी ठिठोली करना, दूसरे को थोड़ा सा मतलब जो करके थोड़ा परेशान करना, टीज करना, ह्यूमरस, ठीक है। ब्रोच, ब्रोच का मतलब वार्तालाप करना, बातचीत करना, एक इंट्रोड्यूस करवाना, रेज करना, कुछ बात बोलना, मुद्दा उठाना, मेंशन करना, या ब्रिंगअप, ब्रिंगअप मतलब कोई मुद्दा को सामने लाना। बिरेफ्ट, बिरेफ्ट मतलब वंचित होता है दोस्तों, तनहा, अकेला, जिसको डिप्राइव भी बोलते हैं, या लोनली मतलब तनहा तनहा। ब्लिक, ब्लिक मतलब कमजोर, डिसमल, ग्लूमी, कोल्ड या अनप्लीजेंट, ठीक है। बोनंजा, बोनंजा मतलब अप्रत्याशित लाभ, विंडफॉल गेन, जैकपॉट, गॉड सेंड, सडन गेन, बूम, बुन, गोल्ड रस, ब्लेसिंग, सबका मतलब क्या होता है बोनंजा, ठीक है। बेलिकोज, बेलिकोज मतलब होता है क्रोधी, जिस तरह बिल्ली, बिल्ली से बेलिको से बिल्ली याद कर ली, बिल्ली किस तरह से लड़ता झगड़ता है, क्रोधी होता है, गुस्सैला, बिगड़ैला, तो एग्रेसिव, बेलीग्रेंट, हॉस्टाइल, मिलिटेंट, झगड़ालू, लड़ाकू, वर्क लाइक, वार लाइक, ठीक है। बिरीवमेंट मतलब किसी को खोना को बिरीवमेंट बोलते हैं, या डिप्रिवेशन, वंचित होना, लॉस होना। बिरेट, बिरेट मतलब डांटना, निंदा करना, अस्कॉल्ड, डांटना, क्रिटिसाइज, रिब्यूक, रेप्रीमांड, सेंसर, रिप्रोच, रिप्रोव, एडमोनिस, चास्टाइट, अपब्रेड, कास्टिगेट, लॉम्बास्ट, सबका मतलब क्या होता है, डांटना, फटकारना। बेनिफिशियरी मतलब लाभार्थी, बिट्रोथ मतलब शादी करना, बिस्टो मतलब प्रदान करना, बिड, मिड मतलब बोली लगाना, ऑफर, टेंडर, प्रपोजल, प्रस्ताव देना, और बिड का मतलब होता है कुछ पाने का भी प्रयास करना, इंडेवर करना। बोनफुल मतलब खतरनाक, जहरीला, कष्टकारी, हार्मफुल, पॉइजनस, पेनफुल, रुइनस, ये सब होता है मतलब बोनफुल मतलब, ठीक है। ब्रेवेडो
मतलब ब्रेवेडो मतलब क्या, झूठ मूठ का ताकतवर दिखाना, साहसी होने का दिखावा करना, है नहीं साहसी लेकिन दिखा रहा है हाँ हम कुछ भी कर लेंगे ऐसा। बेस मिर्च मतलब मिर्च लगा देना, मिर्च लगा देना मतलब क्या, किसी को अपमानित कर देना। डिसरिस्पेक्ट करना, कॉन्डेम करना, कॉन्टेम्प्ट। बेसर्क, बेसर्क मतलब होता है सर फिर गया है क्या, तो पागल, अनियंत्रित, मैड, क्रेजी, इनसेन, मैनियक, ठीक है। ब्रेच, ब्रेच का ब्रेच से समझ लो ब्रेक, तो ब्रेक मतलब क्या, कानून तोड़ना, प्रॉमिस को तोड़ना, कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करना, तोड़ना। फिर बिजायर, बिजायर बोलते हैं ना यार कैसा मतलब असामान्य चीज़ है, ऑड चीज़ है, ठीक है। अनयूजुअल, स्ट्रेंज, पिक्यूलियर, अनकन्वेंशनल, जो कन्वेंशन नहीं है, परंपरागत नहीं है, गैर परंपरागत। या ऑफ बीट, ऑफ बीट मतलब हट के बात करना। बोर्ड, बोर्ड का मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी करना, प्रेडिक्ट करना, फोरटेल, फ्यूचर बताना। ब्लास्फेमी, आपने सुना होगा ब्लास्फेमी होता है मतलब ईश्वर का निंदा करना, भगवान के विरुद्ध बात करना। सैक्रिलेजियस भी बोलते हैं, प्रोफेन भी बोलते हैं, इम्पायस भी बोलते हैं, ठीक है। कोल्यूजन, कोल्यूजन का सुना होगा आपने, कोल्यूज कर दिया मतलब मिली भगत कर दिया, साठ गांठ कर दिया, षड्यंत्र रच दिया, कॉन्स्पिरेसी, कॉन्निवेंस होता है, कॉम्प्लिसिटी। कंटिजेंसी, कंटिजेंसी मतलब होता है आकस्मिक, आपातकालीन, है ना, बोलते हैं ना कंटिजेंसी। इन इवेंचुअलिटी होता है, ऑकरेंस, पॉसिबिलिटी, इंसिडेंट, हैपनिंग, एक्सीडेंट, इमरजेंसी। कंडोन, कंडोन का मतलब होता है नज़रअंदाज कर देना, परवाह नहीं करना, कोई कुछ बोल रहा है मतलब कंडोन कर दिया, कोई सुन नहीं रहा है। फॉरगिव, ओवरलुक, ओवरलुक मतलब ऊपर ऊपर देखना, डिसरिगार्ड, ठीक है। कोरोबोरेट, कोरोबोरेट का मतलब होता है पुष्टि करना, बोलते हैं ना कोरोबोरेट, कैसे याद कर लो, कोरोबोरेट का करो अब एलोबोरेट, एलोबोरेट करना मतलब पुष्टि करना, सत्यापित करना, वेरीफाई, कन्फर्म। इनडोर्स, ऑथेंटिकेट, सर्टिफाई, वैलिडेट, ठीक। कॉन्क्लेव, कॉन्क्लेव मतलब पता ही आपको, कॉन्क्लेव मतलब सम्मेलन होता है, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, कंसर्ट, गैदरिंग, कॉन्वोकेशन, कन्वेंशन, काउंसिल, ठीक है। कॉन्स्ट्रू, कॉन्स्ट्रू मतलब समझना, ट्रू मतलब क्या होता है, सत्य, तो जब भी सत्य का पता चलता है, कब पता चलेगा, जब आप समझेंगे तब। तो कॉन्स्ट्रू का मतलब समझना, पढ़ना, अंडरस्टैंड, रियल, कंप्रीहेंड, डिकोड, एनालाइज और सी। क्रिप्टिक, क्रिप्ट होता है दोस्तों यूट्यूब में लिखा लगता है आपका लैंग्वेज जो है, जो बातचीत आप कर रहे हैं क्रिप्टेड है, इनक्रिप्टेड, इनक्रिप्टेड मतलब गुप्त है, गूढ़ है, हिडन है, मिस्टेरियस है, इनिग्मेटिक है, कन्फ्यूजिंग है, कॉम्प्लेक्स है, परप्लेक्स है, पजलिंग है, ऑब्सक्योर, एब्स्ट्रूस, डीप है, मिस्टिफाइंग है, मतलब कोई इसको समझ नहीं पाएगा। कॉमेंसुरेट, कॉमेंसुरेट मतलब क्या होता है, अनुपात में, सुटेबल, एक्सेप्टेबल, इक्विवेलेंट, कॉरस्पॉन्डिंग, कंपेरेबल, प्रोपोर्शनेट, ठीक है। कॉमोडियस, कॉमोडियस मतलब होता है आरामदेह, जो पूरा एकदम खुल्लम खुल्ला हो, खाली जगह हो, तो उसको आरामदेह बोलते हैं, खुल्लम खुल्ला जगह, जैसे रूमी, स्पेसियस, कंफर्टेबल, कैपेसियस, एम्पल, साइजेबल, लार्ज, बिग, ब्रॉड, वाइड, ठीक है। कंपंक्शन, कंपंक्शन मतलब आपको कंपन हो रहा है, कब कंपन होता है, जब आपको शर्मिंदा होता है या रिग्रेट करते हैं या गिल्ट का फीलिंग होता है तब आपको कंपन होता है, तो कंपंक्शन मतलब कंपन मतलब शर्मिंदा ऐसा। कैलो, कैलो मतलब जिसका कैलिबर कम होता है, कैलिबर किसका कम होता है, जो नया नया चीज़ है, नया नया आदमी है, तो नौ सीखुआ जो होता है इमैच्योर होता है या इनएक्सपीरियंस्ड होता है, जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता उसको कैलो बोलते हैं, मतलब नौ सीखुआ, ठीक है। चार्जिन, चार्जिन मतलब ऐसे याद कर लो, चाय गिर गया, जब भी चाय गिर जाता है मान लो आपके किसी से, तो उसको निराशा होता है, ख़राब लगता है, तो चार्जिन मतलब चाय गिर गया, निराशा, खराब लगना। एनोएंस, डिसअपॉइंटमेंट, इरिटेशन, वेक्सेन, वेक्सेशन, डिसप्लेजर, एंगर, एम्बैरेसमेंट, एम्बैरेस, ठीक है। सीड, सीड का मतलब क्या, दे देना, छोड़ देना, त्याग देना, सरेंडर कर देना, कॉन्सीड, रेलिंक्विस, इल्ड, ठीक है। कोवर्ट, कोवर्ट का मतलब कोवर्ट, कोवर्ट को याद कर रहे तो क्या, कवर, कवर, कोवर्ट माने कवर, कोवर्ट मतलब कवर ऐसा, तो रहस्य, छिपा हुआ है, सीक्रेट, हिडन। फर्टिव, फर्टिव मतलब भी वही होता है, छुपा हुआ, रहस्य, गुड़। क्लैंडेस्टाइन, सरेप्टियस, सरेप्टिटियस, तो ये सब बार बार आप देखेंगे अपने याद होगा, रटना नहीं आपको, अभी आपके पास 45 दिन है, डेली आप इसको देखो अपने याद हो जाएगा। स्टील थी, क्लॉक, डैगर, होल एंड कॉर्नर, सबका मतलब क्या होता है, कोवर्ट, छिपा हुआ। कॉनिवेंस, कॉनिवेंस का मतलब वही होता है, साठ गांठ, जो हमने ऊपर देखे, साठ गांठ करना, मिली भगत, षड्यंत्र रचना। काउंटर, काउंटरमांड, काउंटरमांड मतलब रद्द कर देना, ख़त्म कर देना, कैंसिल कर देना, रिवोक कर देना, रिवर्स या अंडू, समझ में आया। आप दोस्तों हैं कॉन्फ्लेग्रेशन, इससे फ्लैग, फ्लैग कहीं लग रहा है, फ्लैग, फ्लैग मतलब झंडा, तो झंडा मतलब जब भी कोई झंडा को नुकसान पहुंचाता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, वहाँ पे आगजनी ये सब हो जाता है, युद्ध में होता है फायर, तो कॉन्फ्लेग्रेशन मतलब आगजनी, युद्ध, फायर, ब्लेज, ब्लेज मतलब आग लगा देना। इन्फर्नो मतलब भी उसी तरह दंगा वंगा, होलोकास्ट,
होलोकास्ट का मतलब दोस्तों ना होलो कॉज नहीं है, होलोकास्ट है, ठीक है। होलोकास्ट, होलोकास्ट मतलब नरसंहार करना जो हिटलर किया था। फायर स्टॉर्म मतलब आगजनी कर देना, ठीक है। कंप्लायंट, कंप्लायंट मतलब स्वीकार करना, है ना। बिडेबल, एक्विसेंट, कॉम्प्लेसेंट, कोऑपरेटिव, एडाप्टेबल, दोसाइल या फ्लेक्सिबल, जिसका मतलब क्या होता है, स्वीकार्य। समझ में आया। चलिए कॉन्डाइन, कॉन्डाइन का मतलब उचित, फिटेंट, डिजर्व, एडिक्वेट, एप्रोप्रिएट, ठीक है। चैरी, चैरी मतलब होशियार, सावधान, एकदम चौकस होना। वैरी भी बोलते हैं इसको, कॉशियस बोलते हैं। सरकमस्पेक्ट, हीडफुल जो ध्यान देके सुनता है। केयरफुल जो ध्यान होशियार रहता है, सतर्क रहता है। माइंडफुल जिसका माइंड एकदम ध्यान देता है। वॉचफुल मतलब देख सुन के काम करना। कोर्स, ये कोर्स है दोस्तों, सी ओ ई आर एस ई, कोर्स। कोर्स मतलब अनिवार्य या बलपूर्वक, प्रेशर देके काम करवाना या अनिवार्य रूप से किसी को बोलना करो ये काम। प्रेशराइज या रिप्रेस या फोर्स या पुश। कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब ये कम फाउंड है, कम फाउंड, तो फाउंड का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। कम मतलब कन्फ्यूजन, तो जब भी कोई आपको घबरा देगा, अचंभित कर देगा, अस्त व्यस्त कर देगा, उसको बोलते हैं कंपाउंड। जैसे अमेज वो भी बोलते हैं, एस्टोनिश आश्चर्यचकित रखना, डम्ब फाउंड बोल नहीं पाना, क्या समझ में नहीं आ रहा है। स्टैगर या सरप्राइज या स्टार्टल, स्टन, स्टूपीफाई, डेज, नॉन प्लस, बिफडल, सबका मतलब क्या होता है, कंपाउंड। तो आपको बार बार इसको देखना है, खुद याद हो जाएगा, रटना नहीं है, बस मेरा विश्वास कीजिए। आपको देखिए बार बार, ऑटोमेटिक आपका याद हो जाएगा, ठीक है। कैविल, कैविल मतलब शिकार करना, शिकायत करना, कैविल मतलब शिकायत करना। कंप्लेन करना, कार्प, ग्रम्बल, मोन। फाइंड डिफॉल्ट, फॉल्ट, फॉल्ट को फाइंड करना मतलब किसी में देखना, गुण देखना, अवगुण को देखना, फॉल्ट को देखना, दोष को देखना। कार्पिंग, कार्पिंग का मतलब अवगुण ढूंढने वाला, जो क्रिटिकल होता है, जिनको सब चीज़ में दिखता है अवगुण दिखता है, कमी दिखता है। कंप्लेन करना। डिलीटेरियस, डिलीटेरियस मतलब नुकसानदेह, हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, इंजूरियस, डैमेजिंग, एडवर्स, एडवर्स हम लोग पहले भी देखे थे। अनफेवरेबल, अनडिजरेबल, सबका मतलब क्या होता है, नुकसानदेह। डिफाइल, डिफाइल का मतलब फाइल को गंदा कर देना, फाइल को गंदा कर देना, मतलब डिफाइल, गंदा करना, पोल्यूट करना, डर्टी, फिल्थी, स्पॉइल, सली, मार, डिबेस, डिग्रेड, मतलब सबका मतलब क्या होता है, गंदा करना या उसको नीचा दिखाना। डाइलेपिडेशन, जीर्ण सिर मतलब टूटा फूटा, जैसे इसको मतलब डेटोरिएशन भी बोलते हैं। डिसडेन मतलब तिरस्कार करना, अवज्ञा करना, कंटेम्प्ट करना, निंदा करना। डिसिपेट मतलब धीरे धीरे खत्म हो जाना, डिसअपियर हो जाना, वैनिश, इवापोरेट, डिजॉल्व, ठीक है। डिंट, डिंट का मतलब बल, घूसा, प्रहार, फोर्स, एफर्ट, पावर। डॉर्मेंट, डॉर्मेंट मतलब निष्क्रिय होना, सोता होना, सोया हुआ ना होना, जैसे टॉर्पिड, हिडन, छुपा हुआ होना, मतलब निष्क्रिय होना, सामने नहीं आना। लेटेंट, लेटेंट मतलब होता है छुपा होना, नॉन एक्टिव, एक्टिव नहीं होना, सक्रिय नहीं होना, निष्क्रिय होना। डाइवल्ज मतलब रहस्य उजागर करना, रिवील करना, अनरैवल करना। मेक अननोन मतलब जो चीज़ बता देना सबको, रहस्य उजागर कर देना, डिस्क्लोज कर देना। टेल करना, इम्पोर्ट मतलब बताना। डिप्लीट, डिप्लीट का मतलब क्या होता है, खत्म होना, डिप्लीशन बोलते हैं, जो एग्जॉस्ट होता है, ये एग्जॉस्ट नहीं, एग्जॉस्ट है। कंज्यूम, स्पेंड करना, ख़त्म करना, एक्सपेंड करना, खर्चा करना। ड्रेन, ड्रेन मतलब ख़त्म हो जाना, ड्रेन ऑफ वेल्थ आपने देख सुना होगा, है ना, निकासा का, निकासी, धर्म की निकासी, जो अंग्रेज के टाइम करते, अंग्रेज करते थे। इम्प्टी मतलब खाली। डिबाउच, डिबाउच मतलब नाश करना, डिस्ट्रॉय, करप्ट, डिबेस या अयासी भी बोलते हैं इसको। इंडलजेंस, जैसे सेक्स में इंडल्ज होना, अल्कोहल में या ड्रग्स में, उसमें अयासी करना होता है, डिबाउच का मतलब था। तो डिबाउच का दो मतलब है, एक नाश करना और एक अयासी करना। डोवटेल, डोवटेल मतलब सामंजस्य स्थापित करना, साथ साथ रहना, कोइंसाइड, मैच, फिट, इक्वेट, हार्मोनाइज या कोरस्पॉन्ड, ठीक है। डिकॉय, डिकॉय का मतलब याद कर लो, डकैत। तो डकैत क्या करता है, आपको फंसाता है, आपको झांसा देता है, तो झांसा देना, फंसाना, ल्यूर करना, इंटाइस, बेट या इंड्यूस करना, सबको डिकॉय बोलते हैं, ठीक। डॉन्ट, डॉन्ट का मतलब होता है डांटना, फटकारना, डराना, निरुत्साहित कर देना, उत्साह को कम कर देना। इंटिमिडेट, डैश, फ्राइटेन अवे, डरा देना, फ्राइटेन ऑफ, डराना, स्केयर अवे, डराना, स्केयर ऑफ, डराना, हॉन्ट मतलब डराना। डिराइड, डिराइड का मतलब हंसना, मजाक उड़ाना, रिडिकुल, मॉक, है ना। डिबेकल, असफलता या पराजय होता है, जैसे फियास्को, फेलियर, कैटास्ट्रॉफ या डिजास्टर, सबका मतलब असफलता, पराजय, यो सब होता है, ठीक है। डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, तैनाती, जैसे सेना का डिप्लॉयमेंट करता है भारत सरकार, है ना।
उसके बाद डिफिडेंट, डिफिडेंट का मतलब होता है शर्मिला, जिसमें आत्मविश्वास नहीं होगा, जैसे साई, टिमिड, मॉडेस्ट, बेसफुल, अनकॉन्फिडेंट, जिसमें कॉन्फिडेंट नहीं होता है दोस्तों, अनएसर्टिव, जो एसर्ट नहीं करते हैं, जो किसी के बात में आ जाते हैं, जिसमें आत्मविश्वास नहीं होता है, शर्मिला होता है। डेसिकरेट, डेसिकरेट मतलब अपवित्र करना, प्रोफेन, ठीक है, प्रोफेन अपवित्र करना, जैसे ब्लास्फेमी टाइप का। डलसेट, डलसेट का मतलब मीठा, आनंद कर, मधुर, जैसे लता मंगेशकर का आवाज़ जो है एकदम डलसेट है, डलसेट का मतलब दिल को छू जाती है। सूथिंग, मन को शांत करना। यूफोनियस, मिलो या प्लीजेंट, और किसी किसी का आवाज़ ही बहुत स्वीट होता है कि नहीं। डिरेंज्ड, डिरेंज्ड का मतलब पागल या मैड या इनसेन, मतलब जो अरेंज नहीं कर पाएगा, एक जगह अच्छे से नहीं रख पाएगा, मतलब कौन नहीं रख पाएगा, पागल है ना, तो पागल, मैड, इनसेन का मतलब डिरेंज। डिम्यूर, डिम्यूर मतलब आपत्ति, ऐतराज़, ऑब्जेक्ट करना, प्रोटेस्ट करना, रिफ्यूज, मना कर देना, रिलक्टेंस, रिलक्ट कर देना कि बात नहीं मानेंगे, प्रोटेस्ट करना, ठीक है, कंप्लेन करना। अपोजिशन, अपोज करना, रेजिस्टेंस, रेजिस्ट करना। अब देखिए DEMUR है, ये डेम्यूर, ये DEMUR ही डेम्यूर। हम्बल, प्रोफाइल, शर्मिला, ठीक है, हम्बल, पोलाइट, शर्मिला, विनम्र, शिष्ट, मॉडेस्ट, अनएज्यूमिंग, मिक, माइल्ड, क्वाइट, साई, रेटिसेंट, टिमिड, इसका मतलब क्या होता है, डेम्यूर, MURE वाला, ठीक। डायलेटरी, डायलेटरी को याद करिए लेट से, लेट, लेट मतलब क्या होता है, जो धीमा धीमा विलंब में काम करेगा, जैसे स्लो। अनहरीड, जिसको हरी नहीं है, जल्दी भी नहीं है। अनपंक्चुअल, जो पंक्चुअल नहीं है, नियमित नहीं है। स्लैक, स्लगिश, लेजी, आइडियल मतलब बेकार। इंडोलेंट, इंडोलेंट मतलब धीमा, सुस्त आदमी। स्लोथफुल, स्लोथफुल मतलब होता है धीमा, विलंब में धीरे धीरे काम करेगा। एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब होता है वार्ता, वर्तमान या प्रचलित, जैसे एग्जिस्टेंस, सर्वाइविंग, नॉट डिस्ट्रॉय, जो खत्म नहीं हुआ उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंट, ठीक है। एक्सॉर्बिटेंट, एक्सॉर्बिटेंट मतलब बहुत ज़्यादा, अत्यधिक, एक्सट्रीमली हाई, एक्सेसिव, एक्सटॉर्सनेट, स्काई हाई, इमॉडरेट, इनॉर्मस, ह्यूज, इन्फ्लेटेड, सबका मतलब क्या है, एक्सॉर्बिटेंट। इम्बेजलमेंट, इम्बेजलमेंट मतलब गबन करना, हेरा फेरी कर देना। मिस अप्रोप्रिएशन, सही से अप्रोप्रिएशन, सही से नहीं दिखाना, चोरी करना, डकैती करना, रॉबरी। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट मतलब दोष मुक्त करना, जैसे हम लोग एब्जॉल्व भी देखे थे ऊपर में, तो दोष मुक्त कर देना, एब्जॉल्व कर देना। एक्विट मतलब छोड़ देना, फ्री फ्रॉम ब्लेम, ब्लेम से उसको मुक्त कर देना, मतलब दोष मुक्त कर देना। एक्सटॉल, एक्सटॉल का मतलब किसी का प्रशंसा करना, सराहना करना, बढ़ाई करना, जैसे ऊपर हम लोग एप्राइज देखे थे, है ना, प्रेज, लाउड या ग्लोरीफाई। इम्यूलेट, इम्यूलेट का मतलब किसी का बराबरी करना, रोस करना, अनुसरण करना, कॉपी करना, इमिटेट, अनुसरण करना। फैलो, फॉलो, फॉलो का मतलब किसी का फॉलो करना, पीछा करना। रिप्रोड्यूस मतलब जो रिप्रोड्यूस कर देना, जैसा जो कर रहा है उसी के जैसा कर देना। एक्सपीडियंसी, एक्सपीडियंसी का मतलब होता है दोस्तों मुनाफा या फ़ायदा, जैसे एडवांटेजियस, कॉन्वीनियंस, यूजफुलनेस, बेनिफिट, यूटिलिटी, प्रॉफिट, गेन, सबका मतलब क्या होता है, एक्सपीडियंसी। फिर है एक्सट्रेनुअस, एक्सट्रेनुअस का मतलब होता है बाहरी या असंगत, ठीक है, जो संगत में नहीं है, मतलब जो सही से ऑर्डर में नहीं है, जो ज़रूरी आपका नहीं है, जो रिलेटेड नहीं है, जैसे इररिलेवेंट, अनरिलेटेड, जो रिलेटेड नहीं है, अनकनेक्टेड, जो कनेक्टेड नहीं है, इनअप्रोप्रिएट, जो अच्छा नहीं है, पॉइंटलेस मतलब कोई पॉइंट का बात नहीं बोल रहा है, इररिलेवेंट बात बोल रहा है, इम्पर्टिनेंट, ठीक है, सबका मतलब क्या होता है, असंगत बात बोलना या बाहरी बात बोलना, जो बोलना चाहिए वो नहीं बोलना, उल्टा पुल्टा बात करना। इवेसिव, इवेसिव मतलब टाल मटोल करना, तुम पूछो क्या खाए हो तो बोल रहा है कि यार आज हम स्कूल गए थे और ये वो, कहाँ पूछ रहे हो, आम बता रहा है, इमली, उसको बोलते हैं टाल मटोल करना, या फरार हो जाना। जैसे इल्यूसिव, एम्बिगुअस, जो एम्बिगुअस हो, जो क्लियर नहीं हो। इक्विवोकल, जो घुमा फिरा के बात बोले। इनडिफिनिट, जो डिफिनिट ना हो, जो वेग हो, वेग मतलब क्लियर नहीं हो, जो इम्प्रिसाइज हो, प्रिसाइज मतलब होता है एकदम फिक्स होना, इम्प्रिसाइज मतलब फिक्स नहीं होना, ठीक है। इवेसिव मतलब भागना भी होता है, फरार हो जाना। इनुई, इनुई का मतलब थकान, उदासी या विरक्ति, मन नहीं लगना। बोरडम, बोर होना, लिथार्जी, आलस लगना। टेडियम, टेडियम का मतलब भी वही सब होता है, ठीक। एक्सक्विजिट, एक्सक्विजिट में बहुत सुंदर, प्रीतिकर, जस्ट लाइक ऐश्वर्या राय, है ना, सबके लिए नहीं, किसी किसी के लिए। ब्यूटीफुल, लवली, एलिजेंट, ग्रेसफुल, तीक्ष्ण, तो एक एक्सक्विजिट का मतलब होता है बहुत सुंदर या बहुत अच्छा लगने वाला, और दूसरा मतलब होता है जो तेज रहता है, जो तीक्ष्ण रहता है, शार्प, है ना, एक्यूट, इंटेंस, कीन, शार्प या सीवियर। इनकोमियम,
इनकोमियम को याद कर लिए इनकम से, तो जिसके पास भी पैसा होता है उसका लोग विश्व में गुणगान करते हैं लोग। तो इनकोमियम मतलब होता है गुणगान करना, प्रेज करना। ईओलॉजी, ईओलॉजी मतलब गुणगान करना, प्रशंसा करना। इरुडाइट, इरुडाइट का मतलब होता है विद्वान व्यक्ति, जो बहुत नॉलेजेबल होता है, जैसे लर्न भी बोलते हैं, स्कॉलर, वेल एजुकेटेड, नॉलेजेबल, वेल रीड, वेल इन्फॉर्म्ड या इंटेलेक्चुअल, ठीक है। इश्चू, इश्चू का मतलब होता है बचना, किसी से परहेज करना, जैसे फोरगो, फोर्सवीर, सन, रिनाउंस का मतलब छोड़ देना, जाने देना, जो होता है होने दो, मतलब बचना किसी चीज़ से। रेलिंक्विस, रेलिंक्विस मतलब भी छोड़ देना, परहेज करना। रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम का भी मतलब भी परहेज करना, ठीक है। इपो, इपो का मतलब होता है टाइम, टाइम को इपो बोलते हैं, काल, खंड, एज, इरा, टाइम, स्पैन, इयोन, ठीक है। इंडेमिक, इंडेमिक आपने पढ़ा भी होगा एनवायरनमेंट में, इंडेमिक का मतलब होता है स्थानीय, लोकल, जो वहीं पे पाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, एक्सपिएट, एक्सपिएट मतलब प्रायश्चित करना, उसको एक्सपिएट बोलते हैं, या रिपेरिएशन, प्रायश्चित करना, ए मेक अमेंड्स मतलब प्रायश्चित करना, ठीक है। एक्सोडस, एक्सोडस मतलब लोगों का प्रस्थान कर जाना, जैसे कोरोना के समय में लोग जो है मुंबई, मुंबई से दिल्ली छोड़ के कहाँ चले गए थे, बिहार, तो अपने घर चले गए थे, यूपी, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। तो एक्सोडस का मतलब प्रस्थान करना, निर्गमन करना, डिपार्चर करना। इरेंट, इरेंट का मतलब बदतमीजी, बात बात नहीं मानने वाला, उसको इरेंट बोलते हैं। इरेंड, इरेंड का मतलब होता है छोटी यात्रा या कार्य। शॉर्ट विजिट, टास्क, छोटा काम, जॉब, कोर या असाइनमेंट, छोटा छोटा काम, छोटा छोटा यात्रा, उसको इरेंड बोलते हैं। इमानसिपेट, इमानसिपेट का मतलब होता है आज़ादी, इंडिपेंडेंस, फ्री, जो अनकंस्ट्रेंड हो। कंस्ट्रेंड का मतलब होता है रुकना, किसी में बंधक, बंधा बना के रखना। अनकंस्ट्रेंड मतलब खुला रहना। लिबरेटेड, अनरिप्रेस्ड, जिसको रिप्रेस नहीं कर सकते, जिसको दबा नहीं सकते, मतलब खुला। फेसाइल, फेसाइल का मतलब होता है लचर या आसान, बहुत आसान होना, सिंपल होना, ओवर सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल हो, सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर का बात बोलना, साफ सुथरा कहना, लिखना, उसको फेसाइल बोलते हैं। फुल हार्डी, फुल हार्डी का मतलब है मतलब झूठ मूठ का खतरा मोलना, जैसे देखते हो कि रैश ड्राइविंग चलाते हैं, जैसे मैं तैसे गाड़ी चलाते हैं, वो क्या है, फुल हार्डी है। दुस्साहसी, अनावश्यक खतरा मोलने वाला। रैकलेस, रैश। इनकॉशियस, जो कॉशियस नहीं है, जो ध्यानपूर्वक काम नहीं करता है, जो केयरलेस है, जो हिडलेस है, हाँ, जो अनहिडिंग है। हिड का मतलब होता है ध्यान देना, और हिडलेस का मतलब जो ध्यानपूर्वक नहीं काम कर रहा है। हिड मतलब ध्यान देना, अन लग गया उल्टा हो जाएगा, ध्यानपूर्वक काम नहीं करना है। थाउटलेस, बिना सोचे समझे काम करना। अनवाइज, जो वाइज नहीं है। इम्प्रूडेंट, जो प्रूडेंट नहीं है, सोच समझ के काम नहीं कर रहा है। इम्पल्सिव, जो इम्पल्स में आके काम कर रहा है, मतलब बॉडी में उत्तेजना हो रहा है और उत्तेजना के आधार पर ही काम कर दे रहा है, ठीक है। फिएट, फिएट का मतलब ना इकोनॉमी पढ़ाया था, फिएट मनी होता है जो सरकार जारी करती है आदेश के द्वारा, तो फिएट का मतलब क्या होता है, आदेश या गवर्नमेंट ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद है फिटफुल, फिटफुल का मतलब होता है अनियमित, जो नियमित नहीं है। इरेगुलर, इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट मतलब रुक रुक के जो हो रहा है। स्पोरैडिक मतलब रुक रुक के होना। स्पैस्मोडिक, रुक रुक के होना। ब्रोकन, जो कंटिन्यूअस नहीं है, डिस्टर्ब है। एब्रप्टली, कभी कभार हो जाना, अनियमित होना। फ्राउट, फ्राउट का मतलब अरुचिकर, अच्छा नहीं लगता है, परेशान, चिंतित भी होता है। एंजाइटी, वरीड, अपसेट, डिस्ट्राउट्स, डिस्ट्रेस्ड, ठीक है। फोर्टीट्यूड, फोर्टीट्यूड का मतलब एथिक्स में पढ़ते हैं धैर्य होता है, सहन शक्ति, करेज, ब्रेवरी, स्ट्रेंथ, ठीक है। फर्मेंट, फर्मेंट का मतलब उबाल आना, उत्तेजना हो जाना, किसी में कन्फ्यूजन हो जाना, ट्यूम्यूल्ट होना, वही उत्तेजना, उबाल। बस्टल मतलब उबाल होता है। फ्लरी, हबल, अस्टिर, फस, क्लैमर, सबका मतलब होता है उबाल होना, उत्तेजना होना, गुस्सा आना, ये सब है। फ्रेंचाइजी मतलब मताधिकार, मतलब वोट देने का अधिकार को फ्रेंचाइजी बोलते हैं। और दूसरा, किसी कंपनी के सामान को बेचने का अधिकार, जैसे बोलते हैं ना, हम लोग बजाज का फ्रेंचाइजी लिए हैं, हम लोग जो है रिलायंस का फ्रेंचाइजी लिए हैं, तो वही होता है, किसी कंपनी को बेचने का अधिकार। और दूसरा मतलब होता है वोट देने का अधिकार, ठीक है। फॉइबल, फॉइबल मतलब जिसका चरित्र में दुर्बलता होता है, जैसे वीकनेस, वीकनेस मतलब कमजोरी, वही मतलब दुर्बलता। फ्लॉ मतलब त्रुटि, फेलिंग, जो फेल कर जा रहा है, त्रुटि है जिसमें। इम्परफेक्शन, जो परफेक्ट नहीं है, डिफेक्ट, जिसमें कमियां हैं। फॉल्ट, फॉल्ट का मतलब त्रुटि है कहीं। फ्लाउट, फ्लाउट का मतलब उपहास उड़ाना, अवज्ञा करना, किसी का अनादर करना, जैसे डिफाई, रिबेल, विद्रोह करना, गो अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट में जाना। रिफ्यूज टू ओबे, बात नहीं मानना, रिजेक्ट कर देना। फर्टिव, ऊपर देखे थे, रहस्य होता है, सीक्रेट होता है, सरेप्टिटियस होता है, स्टिल्थी या स्निकी, सबका मतलब रहस्य, छिपा हुआ गुड़। फिर फ्लेयर, फ्लेयर का मतलब होता है प्राकृतिक स्वभाव, किसी का एप्टीट्यूड, स्किल, टैलेंट, गिफ्ट, इंस्टिंक्ट, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, स्टाइलिशनेस, ओरिजिनैलिटी, स्टाइल, एलिगेंस, सबका मतलब क्या होता है, फ्लेयर, जो प्राकृतिक उसका स्वभाव होता है। फॉक्स पास,
फॉक्स पास का मतलब होता है गलत या अशुद्ध पद, जैसे ब्लंडर, मिस्टेक, ठीक है, जो सोशली ऑकवर्ड हो, करना नहीं चाहिए, सामाजिक उसको समाज सुधार नहीं कर, समाज जो उसको स्वीकार नहीं करता उसको बोलते हैं ऐसा काम, फॉक्स पास बोलते हैं, या गौचेरिस भी बोलते हैं। गौचेरिस क्या है? GAUCHERIS, गौचेरिस। गौचेरिस का भी मतलब होता है जो आप समाज के विपरीत काम कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो। फराक का मतलब होता है उपद्रव, कोलाहल, अफरे मतलब देखे थे अफरा तफरी, अल्टरकेशन भी देखे था, नॉइजी डिस्टर्बेंस जहाँ हो रहा है, क्वारल मतलब लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक। फ्रिक का मतलब होता है दोस्तों विचित्र, गो विचित्र होना या क्रेजी होना, ठीक है, गो मैड पगला जाना, गो आउट ऑफ वंस माइंड अपने दिमाग के बस में नहीं रहना, उसको विचित्र बोलते हैं या पगला जाना कहते हैं। फाउनिंग का मतलब होता है चापलूस, किसी का तलवा चाटना, फ्लैटर करना, जैसे सब नेता लोग का उसके चापलूस चमचे लोग करते हैं ना। फिकंडिटी का मतलब होता है उत्पादकता या उर्वरता, फ्रूटफुलनेस, फर्टिलिटी, ठीक है। फोरे का मतलब होता है दोस्तों धावा देना, कहीं चढ़ाई कर देना, रेड मारना, अटैक करना, रेड करना, इनकर्सन लड़ाई झगड़ा करना, धावा बोल देना, स्वूप स्ट्राइक करना, पहली बार किसी चीज़ का प्रयास करने को भी फोरे बोलते हैं, ठीक है। दो मतलब होता है चढ़ाई वढ़ाई कर देना और दूसरे बार पहली बार किसी चीज़ का प्रयास करना, ठीक। अगला देखते हैं गाइललेस या का मतलब होता है बहुत जो ईमानदार है, जिसमें निश्चल है, जो निश्चल छल कपट नहीं है, जो ऑनेस्ट है, इनोसेंट है, सीधा साधा है, भोला भाला है ना, इनोसेंट है, आर्टलेस है, ठीक है, आर्टलेस जिसको कुछ मतलब छल कपट करने नहीं आता है। इंजेनियस का मतलब है छल कपट नहीं, ओपन है, जो खुला दिमाग का है, जो मन में करता है वो बोल देता है बिना कुछ मतलब किसी को छल के। सिंसेयर होना, जेन्युइन होना, नेव चाइल्ड लाइक होना, बच्चे होते ही हैं, निश्चल ईमानदार, अनसोफिस्टिकेटेड, ठीक है, ट्रस्टफुल जिस पे विश्वास कर देता है, बच्चे लोग पे तो विश्वास करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि वो गाइललेस होता है, ईमानदार होता है, ऑनेस्ट होता है, निश्चल होता है। ग्लाइब मतलब होता है बोलने में तेज, जैसे मोदी हैं। वाक पट्टू, फ्लुएंट। गिमिक का मतलब होता है नौटंकी, ट्रिक, ठीक है, धोखा देना, ट्रिक करना, नौटंकी करना, डोज या स्कीम, ठीक है। गेंसे का मतलब विरोध करना, किसी का खंडन करना, इंकार करना, जैसे डिनाई, डिस्प्यूट, डिसएग्री विथ, कॉन्ट्राडिक्ट, चैलेंज, अपोज, ठीक है। गैरिस का मतलब होता है दिखावटी या दिखावा करना, गाउडी, ल्यूरिड, ओवर ब्राइट, ठीक है, बहुत मतलब होता है ना, बहुत तो देखे होंगे मतलब वो करते हैं मेकअप करते हैं तो पूरा एकदम चमकते मतलब दिखावटी कर रहे हैं ना, ओवर ब्राइट, सब लोग फिल्टर भी यूज़ करते हैं फोटो में, है कि नहीं। ग्लेयरिंग, फ्लैशी, सोई मतलब शोबाजी करना, दिखावा करना, चिप मतलब दिखा रहे, जैसे सस्ता सामान होता है एकदम पूरे उसमें लाइट वाइट लगा रहेगा, सस्ता कपड़ा हो या सस्ता कुछ सामान हो, जो सस्ता जूता ले लेंगे तो दिखावटी टाइप का दिखेगा, चिप होगा सस्ता, है ना। गेट का मतलब गति से गेट ऐसे याद कर लो, गेट मतलब गति, मतलब चाल, मतलब पग, वॉक, स्टेप, स्ट्राइड, ठीक है। ग्रूसम का मतलब डरावना, भयानक, हॉरर, रिपल्सन, डरावना रहेगा तभी तो आप उसे रिपल करेंगे, रिपल मतलब दूर भागना, रिपल्सन। फ्राइटफुल, शॉकिंग, ग्रिजली, घास्टली, फ्राइटफुल, हॉरिड, हिडियस, हॉरिबल, हॉरेंडस, ग्रीम, सबका मतलब क्या होता है, डरावना, भयानक, ये सब। गोड का मतलब अंकुश या प्रेरित करना, जैसे प्रोवोक करना किसी को, स्पर करना, इंसाइट करना, स्टीर करना, मूव करना, बोल रहे करो ये उसको कूट दो धर के, पकड़ के मार देगा वो, उसको प्रेरित करना, उकसा देना, स्टिमुलेट, एक्साइट, अर्ज, प्रॉम्प्ट, इंड्यूस, अर्ज, ठीक है। ग्रेटिस का मतलब होता है मुफ्त का, फ्री का, उसको ग्रेटिस बोलते हैं। ग्रुएलिंग, कठोर, वार्तालाप, भीषण, भयंकर, हम लोग गुरुसम देखे थे उसी तरह का है, भयानक, डरावना, है ना, तो भयानक, भयंकर उसी टाइप का है। एक्सट्रीमली टायरिंग, वो पूरा थका दे, जो कठोर हो, डिफ़िकल्ट हो, वो डिमांडिंग हो, ग्रेट एफर्ट जिसमें बहुत मेहनत लगे, कठोर हो, एग्जॉस्ट जिसमें आप पूरा एकदम थक जाएं, टायरिंग हो जाएं, थक जाएं, वियरसम आपका चूर चूर हो जाएं, आप एनर्वेटिंग आपका पूरा एनर्जी ख़त्म हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, कठोर वार्तालाप, कठोर बर्ताव या भीषण या भयंकर। हैपलेस का मतलब बदकिस्मत, अभागी या अभागा, अनफॉर्चुनेट, अनलक्की, लकलेस जिसमें लक नहीं साथ दे, इल फेट जिसका फेट साथ ना दे, कर्स मतलब जिसको श्राप मिले, माइजरेबल जिसका कंडीशन बहुत ख़राब हो, मिसफॉर्चून मतलब भाग्य जिसका साथ ना दे, पैथेटिक दयनीय स्थिति, पिटीफुल का भी मतलब होता है जिस पे किसी पे वो आ जाना, दया आ जाना। हेजीमनी वर्चस्व होता है, लीडरशिप, डोमिनेंस, डोमिनियन, सुप्रीमेसी,
कंट्रोल पावर, ठीक है। हस्टिंग, हस्टिंग का मतलब होता है इलेक्शन या भाषण देना को भी बोलते हैं हस्टिंग, जहाँ पे भाषण दिया जाता है जो स्थान पे, स्टेज पे। हेरेटिक, हेरेटिक का मतलब विधर्मी, जो धर्म को नहीं मानता है। जैसे डिसिडेंट, डिसेंट, डिसेंट मतलब होता है नहीं मानने वाला। नॉन कन्फॉर्मिस्ट, जो कन्फर्म नहीं कर रहा है, मतलब किसी को फॉलो नहीं करता है। एपोस्टेट, जो किसी को धर्म को नहीं मानता है। फ्री थिंकर, जो फ्री सोचता है, मतलब धर्म के आधार पर नहीं सोचता है, फ्री सोचता है, विधर्मी है। आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है विधर्मी। हुडविंक, हुडविंक मतलब धोखा देना, कपट करना, ठीक है। डिसीव, ट्रिक, ड्यूप, डिल्यूड, चीट या ब्लफ, सबका मतलब क्या होता है, हुडविंक। दोस्तों इसको बार बार आप देखेंगे, आप बार बार लेक्चर सुनेंगे तो आपको अपने याद हो जाएगा। शुरू में लेक्चर सुनिएगा उस देख देख के, उसके बाद दूसरे बार फिर देखिएगा, तीसरा बार क्या करिए, आँख बंद कर लीजिएगा और मैं बोलूँगा हुडविंक, तो आपको दिमाग में आ जाएगा, अच्छा इसका मतलब धोखा देना होता है। तो आपको ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके याद करना है। अपने दोस्तों को, पेरेंट को या भाई बहन को बोलना है कि लो इसे पूछो, तो वो आपसे पूछेगा, ठीक है। हाइपोथिकेट मतलब होता है गिरवी रखना, मॉर्टगेज रखना किसी सामान को। हेल्कन, हेल्सियन, हेल्सियन मतलब होता है दोस्तों शांत, धीर, निराश। सिरेन, काम, प्लीजेंट। होलोकास्ट मतलब प्रलय, सर्वनाश, पूर्ण आहुति। कैटाक्लिज्म, डिजास्टर। एनिहिलेशन, कैटास्ट्रॉफ या डिस्ट्रक्शन। हैकनेड, हैकनेड का मतलब साधारण, घिसा पिटा। जीर्ण शीर्ण, कॉमन प्लेस। ट्राइट और डन, ओवर डन। प्लेटिटूडिनस, प्लेटिटूडिनस मतलब जो घिसा पिटा जिंदगी हो, मतलब साधारण जिंदगी हो, उसको बोलते हैं हैकनेड, ठीक है, जो मतलब आधुनिक ना हो। हॉक्स, हॉक्स का मतलब छल कपट, तो हॉक्स का याद कर लो, फॉक्स, फॉक्स मतलब होता है लोमड़ी, तो लोमड़ी छल कपट करता है, तो हॉक्स मतलब क्या, छल कपट। डिसीव, ट्रिक, जेस्ट, प्रैंक, जोक, जोक या प्रैक्टिकल, ठीक है। हैगर्ड, हैगर्ड मतलब जंगली, दुबला पतला, थका, मंदा। जैसे केयर वॉर्म, टायर्ड, ड्रेंड, फैटिग, वरी या सफरिंग दोस्तों, ठीक है। आप देखते हैं अब हीनियस, हीनियस का मतलब क्या होता है, जघन्य, निरिसंस, जो घृणित होता है, जो बुरा होता है, वेरी बैड। विकेड, ठीक है, शॉकिंग, ऑडियस, विकेड। एविल, एट्रोसियस, मोनास्ट्रस, डिसग्रेसफुल, एबोमिनेबल, ठीक है, हॉरिबल, टेरिबल, ठीक है। हैपाजार्ड, हैपाजार्ड मतलब अव्यवस्थित रूप से होना, बेढंग, अस्थिर। रैंडम, अनसिस्टमैटिक, जो सिस्टमैटिक नहीं होना, डिसऑर्डर में रहना, डिसऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज नहीं होना, कैजुअल मतलब सामान्य होना, नॉर्मल। केयरलेस, रैंडम, अनप्लान्ड, जो प्लान नहीं होना, अनसिस्टमैटिक, जो सिस्टमैटिक नहीं होना, है ना, अनमेथोडिकल, जो मेथड के आधार पर नहीं होना, जैसे तैसे होना, डिसऑर्गेनाइज, इरेगुलर, है ना, आर्बिट्ररी मतलब जैसे मन तैसे, केयरलेस, ये सब होता है। हजार्डस, हजार्डस का मतलब खतरनाक, रिस्की, अनसेफ। पेराइल, पेरिलस, सबका मतलब क्या होता है, खतरनाक, ठीक है। हियर से, हियर से का मतलब अफवाह उड़ाना, र्यूमर, गॉसिप। टिटल या टैटल, टिटल टैटल, टिटल टैटल मतलब अफवाह उड़ना, र्यूमर उड़ना। होमिली, होमिली मतलब धर्म गीत, धर्म का आदेश देना, उपदेश देना। सरमन, लेक्चर, डिस्कोर्स। एड्रेस, लेसन, टॉक, स्पीच, सबका मतलब होता है धर्मगीत, आदेश वादेश। हार्बिंजर, हार्बिंजर का मतलब अगुआ, जो अग्रदूत होता है, जैसे हेराल्ड या साइन या इंडिकेट। इंडिकेट कब करता है, जब आपको पता चलता है कि आगे जाना है, तो अगुआ, है ना, अगुआ मतलब हार्बिंजर, उसी का इंडिकेटर, इंडिकेशन, सिग्नल, प्रीलूड, अनाउंसर, ठीक है। और होमली का मतलब क्या था, उपदेश देना। और दूसरा मतलब है हरंग, हरंग का मतलब भी होता है भाषण देना, उपदेश देना, ठीक है। डायट्राइब भी बोलते हैं, डायट्राइब भी मतलब होता है उपदेश देना। इम्ब्यू, इम्ब्यू का मतलब होता है रंगना, ओतप्रोत, ओतप्रोत कर देना, ठीक है। परमिएट, सफ्यूज, सैचुरेट, ठीक है। इम्पेकेबल, इम्पेकेबल मतलब निष्कलंक, जिस पे कोई कलंक ना लगे। त्रुटिहीन, जिसमें कोई त्रुटि ना हो, जिसे स्पॉटलेस, स्पॉट मतलब होता है दाग, जिसमें दाग रहित हो। जो स्टेनलेस, स्टेन मतलब दाग होता है, दाग रहित हो, जो परफेक्ट हो, जो आइडियल हो, आदर्श हो। इंडिजियस, इंडिजिनस, इंडिजिनस का मतलब स्वदेशी, स्थानीय, जिसे हम लोग पहले पढ़े थे, क्या पढ़े थे, इंडेमिक, है ना, नेटिव हो, जो वहीं का रहे हो। एबोरिजिनल मतलब उसी में वहीं पे रहे, लोकल, लोकल हो। इंसुलर, इंसुलर का मतलब होता है संकीर्ण, संकुचित विचार वाला, जिसका विचार बहुत लिमिटेड हो, नैरो हो, नैरो माइंडेड मतलब सूक्ष्म हो। कन्वेंशनल, जो परंपरागत रूप से सोचे,
ज़्यादा उसका दिमाग ना एक्सपेंड करे। प्रोविंशियल, प्रोविंशियल मतलब जो अपने छोटा सा एरिया का ही सोचे, प्रदेश का ही सोचे, मतलब संकीर्ण विचार वाला, संकुचित विचार वाले को बोलते हैं इंसुलर। इंडिक्ट, इंडिक्ट मतलब दोषी ठहराना, इम्पीच कर देना, इनकलकेट, रिक्रिमिनेट, डिनाउंस, इनक्रिमिनेट, सबका मतलब क्या होता है, दोषी ठहराना। इंकलिंग, इंकलिंग का मतलब होता है आभास या संकेत या इशारा, जैसे आइडिया, नोशन, क्लू, वेग आइडिया, उसको क्या बोलते हैं, इंकलिंग, ठीक है। उसके बाद इम्परवियस, इम्परवियस मतलब जिसमें अगम्य, जिसके पार आप नहीं जा पाओगे या आप भेद दे, जिसको भेद नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे अनअफेक्टेड बाय, जिसको जो प्रभावित नहीं होता है, अनटच्ड बाय, जिसको कोई छू नहीं सकता है, इम्परमिएबल, जिसमें कोई परमिएबल नहीं है, जो जा नहीं सकता है, इम्पेनेट्रेबल, जिसमें हम छेद नहीं कर सकते हैं, इनप्रेगनेबल, सबका वही मतलब होता है, वाटरप्रूफ, वाटर रेजिस्टेंस, ठीक है। इंजीनस, इंजीनस का मतलब होता है सरल, भोला भाला, नेव, बचपना, बचकाना, ट्रस्टिंग, जिसमें विश्वास करना आसान हो। अनस्पीशियस, जो छुपा छुपा के बात नहीं करता है, गोल मोल बात नहीं करता है, सीधा साधा बोलता है। अनवर्डली, आर्टलेस, क्रीडुलस, ठीक है। इनोक्यूअस, इनोक्यूअस मतलब दोस्तों अहानिकर, जो हानि नहीं पहुंचाता, जैसे हार्मलेस, जो हार्म नहीं पहुंचाए, जो सेफ हो, सुरक्षित हो, जो डेंजरस नहीं हो, जो जहरीला नहीं हो। इनऑर्डिनेट, इनऑर्डिनेट का मतलब होता है, देखो ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का मतलब सामान्य, तो इन लग गया उल्टा हो जाएगा, तो अत्यधिक या असामान्य, जो सामान्य ना हो। एक्सेसिव, अनरीजनेबल, डिसप्रोपोर्शनेट, अननेसेसरी, एक्सॉर्बिटेंट, एक्सॉर्बिटेंट पहले भी देखे थे, अत्यधिक। इर्कसम, इर्कसम का मतलब उबाऊ, जो बोरिंग हो दोस्तों, जो टीडियस हो, जो एक्सास्पिरेटिंग हो, ठीक है। इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट मतलब जो रेलिवेंट नहीं हो, जो असंगत हो, जो विसंगत हो, जो अभेद्य हो, ठीक है, समझ गए। अब हमारा इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट मैंने पहले भी देखा था, जो रुक रुक कर होता है दोस्तों, जो आपका स्पोरैडिक होता है, जो बराबर नहीं हो, हमेशा नहीं होता है, जो रेगुलर नहीं हो, इरेगुलर, जो फिटफुल हो, जो स्पास्मोडिक हो, ठीक है। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता, ईमानदारी, ऑनेस्टी, अपराइटनेस, ऑनर, एथिक्स, मोबिलिटी, वर्च्यू, ठीक है। उसके बाद है इंडिजेंट, इंडिजेंट मतलब जो गरीब होता है, जो दरिद्र होता है दोस्तों, पुअर, डेस्टिट्यूट, पेनीलेस, पॉवर्टी स्ट्राइकेन। इनंडेट मतलब बाढ़ आना, भर जाना, ओवरविल्म, ओवरबर्डन, ओवरलोड, स्वाम्प, बॉम्बार्ड, फ्लड, डेल्यूज, ओवरफ्लो, स्वाम्प, इमर्स, सबका मतलब क्या होता है दोस्तों, भर जाना या बाढ़ आ जाना। इनवेटिरेट मतलब होता है कट्टर, जैसे इनग्रेंड, डीप सीटेड, कॉन्जेनिटल, ठीक है। इनिमिकल, इनिमिकल का मतलब होता है नुकसानदेह, जो नुकसान आपको पहुंचाता है, जैसे इंजूरियस, जैसे बोलते हैं ना, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान करना सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो वही उसी को इनिमिकल बोलते हैं, या नुकसानदेह, इंजूरियस, डेट्रीमेंटल, डिलीटेरियस, पहले भी देखे थे, रूइनस, फिर इसका इनिमिकल का मतलब विद्रोही भी होता है, तो दो मतलब होता है, एक नुकसानदेह और दूसरा होता है विद्रोही, तो विद्रोही को और क्या क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्टिक, मेलीवोलेंट, मेलाइन, ठीक है। इम्प्यूट, इम्प्यूट का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना या मढ़ना, एट्रीब्यूट, एस्क्राइब, ए साइन, क्रेडिट, ठीक है। इनफाइनेटेसिमल बहुत मतलब बहुत छोटा, इनफाइनेटली स्मॉल। इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग मतलब निकट का, उपस्थित, जैसे इमिनेंट, नियर, कमिंग, जो मतलब अभी आ रहा है, मतलब निकट का है, अपकमिंग आ रहा है, बोलते हैं ना अपकमिंग मूवी है, मतलब आने वाली है मूवी, जस्ट फोर्थ कमिंग मतलब आने वाला है। जीफी, जीफी का मतलब क्षण या मूमेंट। जीर, जीर का मतलब मजाक उड़ाना, टॉन्ट, स्नीर, इंसल्ट, बू, रिडिकुल, मॉक, स्कॉर्न, सबका मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाना। जेजून, जेजून का मतलब उबाऊ, बोरिंग, ठीक है, तो बोरिंग क्या, बच्चा लोग जो बात करते हैं देखते हो कभी कभी, कुछ कुछ बोलने लगता है, मतलब उबाऊ बातें बोलता है, भोला भाला। वेरी सिंपल, चाइल्ड टाइप का, चाइल्डिश, नेव, भोला भाला, सिली, छोटे मोटे बात, पॉइंटलेस, जिसका कोई मतलब नहीं होता है। जिंगोइज्म, जिंगोइज्म मतलब अंधभक्ति या अंध देशभक्ति, फ्लैग वेविंग भी बोलते हैं इसको, फ्लैग वेविंग, या जीनोफोबिया, जीनो एक्स ई है ये, एक्स ई एन ओ पी एच ओ बी आई, जीनोफोबिया, ठीक है। जी कंड,
उसके बाद क्या, जोकंड। जोकंड मतलब प्रफुल्ल होना, खुश होना, प्रसन्न होना, ठीक है, जोकंड। चीयरफुल, मेरी, लाइट हार्टेड, जॉली, गे, जोवियल, सबका मतलब क्या होता है, जोकंड। जियोपार्डी, जियोपार्डी का मतलब खतरा, मुसीबत, जैसे डेंजर, हार्म, फेलियर, पेराइल। नैक, नैक का मतलब होता है टैलेंट, स्किल, है ना, कौशल, निपुणता, एबिलिटी, फ्लेयर, पहले भी देखे हैं इस सब। नेव, नेव का मतलब धोखेबाज, बेईमान, ठीक है। देखिए एक वर्ड होता है नेव, एन ए आई वी, तो इसके ऊपर देखे थे नेव का मतलब क्या था, भोला भाला, देखे थे ना दोस्तों, देखो कहाँ देखे थे बच्चा, ये हम देखे थे, देखो यहाँ पे, देखो नेव का मतलब देखे थे, जो बचपना टाइप करे, करे भोला भाला, करे भोला भाला, तो लेकिन यहाँ पे क्या है, नेव है, के एन ए वी ई, तो नेव मतलब भोला भाला, और उसका उल्टा होता है क्नेव, क्नेव मतलब बेईमान, धोखेबाज। डिसऑनेस्ट, अनट्रस्टवर्दी। कर्नल, कर्नल मतलब होता है मूल, आधार, तत्व। इसेंस, कोर, हार्ट, जिस्ट। लेविटी, लेविटी का मतलब हल्कापन, छिछोरा, जैसे जो ध्यान बनना दे, सब चीज़ को हल्के मिले, है ना। केयरफ्रीनेस, लाइट हार्टेडनेस, लैक ऑफ सीरियसनेस, सीरियसनेस जिसमें है ही नहीं। लैंग्योर, लैंग्योर का मतलब थकावट, थकान। लसीट्यूड, लिथार्जी, टायर्डनेस, फैटिक, वियरीनेस। दूसरा मतलब होता है शांत, तो पहला क्या मतलब होता है, थकावट, थकान, और दूसरा शांत, लैंग्वेयर का मतलब। तो ट्रैंक्विलिटी, लुल, साइलेंस, सबका मतलब क्या होता है, थकावट, शांत। मंडेन, मंडेन का मतलब बहुत सामान्य चीज़ होना, ठीक है, जैसे हम ड्रम, डल, बोरिंग, टीडियस, मोनोटोनस, टायरसम। और दूसरा मतलब होता है मंडेन का संसारिक, संसारिक का मतलब अर्थली, जो इस पृथ्वी से रिलेटेड है, वर्ल्डली, जो इस वर्ल्ड से रिलेटेड है, मटेरियल है, या सेक्युलर है, सबका मतलब क्या होता है, मंडेन, ठीक है। मायोपिक, मायोपिक बोलते हैं ना, मायोपिया, उसी से, सूक्ष्मदर्शी, जो निकट का ही देख पाए, दूर का ना देख पाए, जो इमेजिन ना कर पाए, अनइमेजिनेटिव, जो क्रिएटिव ना हो, अनक्रिएटिव, जो नैरो माइंडेड का हो, ठीक है। मॉलीफाई, मॉलीफाई का मतलब होता है शांत करना, अपीज करना, तुष्टि करना, प्लेसेड, शांत करना, सूथ करना, काम करना, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं मेटल, मेटल का मतलब होता है उत्साह, या प्रकृति, या तेज। फोर्टिट्यूड, स्पिरिट, टेनासिटी, ठीक है, टेनासिटी। डिटर्मिनेशन, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद है मेलिंजर, मतलब नींद नहीं है, काम से भागना, जिम्मेदारी से भागना, उसको क्या बोलते हैं, मेलिंजर। मेटिकुलस, मेटिकुलस मतलब बढ़िया चीज़, सतर्क, सूक्ष्म, जो एकदम ध्यानपूर्वक काम करे, केयरफुल, डेलीजेंट, अल्ट्रा केयरफुल, जो बहुत ध्यानपूर्वक काम करे। मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड मतलब बहुत, मैनी, न्यूमरस, मल्टीट्यूड, है ना, वेरियस, सेवरल, वेरीड, ठीक है। उसके बाद है मेडलसम, मेडल कसम का मतलब होता है मिडिल, मिडिल मतलब क्या होता है, बीच में आ जाना, तो मेडलसम का मतलब हस्तक्षेप करना, थकाने वाला, इंटरफेयर, ठीक है। मोदीकम, मोदीकम का मतलब थोड़ी मात्रा में, अल्प भाग, लिटिल बिट, पिंच, टेस्ट, ऑन्स, मतलब बहुत कम मात्रा में, उसको मोडिकम बोलते हैं। मीरियड, मीरियड का मतलब असंख्य, बेशुमार, इन्यूमरेबल, जिसको आप गिनती नहीं कर पाओ, काउंट नहीं कर पाओ, काउंटलेस, इनफाइनाइट, अनंत, नंबरलेस, न्यूमरस, सेवरल, मैनीफोल्ड, वेरियस, मल्टीट्यूड, ठीक है, सबका मतलब क्या होता है, मीरियड। नेक्सस, पहले भी देखें, साठ गांठ करना, लिंक, बॉन्ड करना। नॉन एंटिटी मतलब तुच्छता, अस्तित्वहीन वस्तु, जिसका कोई अस्तित्व ना हो, उसको नॉन एंटिटी बोलते हैं दोस्तों। नेबुलस, नेबुलस का मतलब अस्पष्ट, जो क्लियर नहीं हो, जो क्लाउडी हो, जो धुंधला हो, हेजी हो, मिस्टी हो। इनडिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है एकदम विशिष्ट चीज़ होना, इनडिस्टिंक्ट मतलब विशिष्ट नहीं होना, मतलब स्पष्ट नहीं होना, क्लाउडी होना, ब्लर मतलब, ब्लर मतलब धुंधला होना, साफ सुथरा नहीं होना। अनक्लियर, फॉगी होना। फेंट, फेंट का मतलब ही होता है हल्का हल्का होना, पतला नहीं चलना। ऑफिशियस, ऑफिशियस का मतलब थकाने वाला, परेशान करने वाला, उसको ऑफिशियस बोलते हैं। ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट का मतलब, लिटरेट का मतलब क्या होता है, पढ़ा लिखा। ऑब्लिटरेट का मतलब जो आदमी पढ़ा लिखा होगा वो सब चीज़ का नाश कर देगा, मतलब जो इलिटरेट है, जो अशिक्षित है, उसका नाश करना को बोलते हैं ऑब्लिटरेट। ऐसे मतलब याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ऑब्लिटरेट का मतलब शिक्षा, अशिक्षा को ख़त्म कर देना और नाश कर देना।
तो नाश करना, ऑब्लिटेट का मतलब नाश करना, विध्वंस करना, डिस्ट्रॉय करना, एनिहिलेट पहले भी देखे हैं, एनिहिलेट का मतलब होता है नाश करना, ख़त्म करना, एक्सटर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, ख़त्म करना, तो एक्सटर्मिनेट का मतलब भी क्या होगा, ख़त्म करना। तो दोस्तों आज हम ये जो हम लोग पढ़े हैं आज, है ना, क्या पढ़े, सिनोनिम और एंटोनिम, ठीक है, इतना अगर आप कर लेते हैं दोस्तों, और एक एक और दो लेक्चर और आएगा इसके बाद, अभी जो है 1000 वर्ड्स हम लोग अभी तकरीबन समझेंगे आप, तो 500 वर्ड से ऊपर हो गया है, ज़्यादा भी होगा, ठीक है, तो इतना कर लेंगे तो आपका सिनोनिम एंटोनिम आसानी से बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपको कैसे पढ़ना मैंने बता दिया, आप सबसे पहले हिंदी पढ़िएगा, ऑब्लिट्रेट का मतलब नाश करना, ऑफिशियस का मतलब थकाने वाला, और बोल बोल के पढ़ेंगे, नेबुलस का मतलब अस्पष्ट, ऐसे करके आप पूरा याद कर लीजिए, उसके बाद फिर उसको 2-3 बार फिर हिंदी वाला याद कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले लेक्चर देखिए 2-3 बार, फिर हिंदी वाला, उसको हिंदी वाला याद कर लीजिए, फिर आप इंग्लिश वाला बार बार देखिए, अब याद हो जाएगा, फिर जब आप 2-4-5 बार कर लेंगे इसको डेली बेसिस पे देखिए, डिसाइड कीजिए कि 1 घंटा हमको ये वाला पढ़ना है, जब तक आपको अच्छे से याद नहीं हो जाता, उसका जो है अपने जो दोस्त होंगे, मम्मी पापा फैमिली होगी, उसको बोलिए कि लीजिए पूछिए, वो पूछेंगे और आप बताते जाइएगा, और जो जो नहीं होगा उस पर वो डॉट कर दीजिएगा, और फिर उसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, फिर जब वैसे वैसे वो वाला चीज़ याद हो जाएगा तो आप देखेंगे आपको पूरा धीरे धीरे करके कंप्लीट हो गया दोस्तों। बहुत आसान है इंग्लिश, आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कोई भी हो बच्चे, आसानी से मेहनत करके पढ़िए, आप लोग जरूर सफल होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ सिनोनिम एंटोनिम का जो बाकी वाला चीज़ है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, ठीक है, पसंद आएगा, जब मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत चैनल अच्छा लग रहा है, तो इसको थोड़ा और प्यार दिखाइए, और इसको थोड़ा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर दोस्तों, इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।